Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum. Good morning. मैं हूं सबाशी और मैं हूं अनम काजमी. उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, चिप चाप होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे. हाँ, एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ साथ इस खबर के ऊपर परेशान भी बहुत होंगे कि एक दफा फिर से छलावा ग्रुप या छलावा शख्स जो है वो सरगर्म है और ये पकड़ में आकर ही नहीं दे रहा है. इसके हवाले से कराची टाइज बहुत ज्यादा खौफो हिरास का शिकार है. लोग ये कह रहे हैं कि जी आप गुलिस्तान जौहर ना जाइए, वहां पर इस तरह का कोई शख्स है जो की औरतों को मार रहा है. साथ साथ अब गुलशन इकबाल तक भी कहानी जा चुकी है और ना जाने जैसा कि हम गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से कितनी दफा कह चुका, तब आगे बढ़ेगी क्योंकि जिस किसी ने भी इस क्राइम की अवेयरनेस कराची टाइज को दी है तो वो इस बात को आगे जरूर बढ़ाएगा. अच्छा, इसी हवाले से अगर मजीद बात करें, इस स्टोरी के हवाले से अगर मजीद बात करें तो बड़ी अनयूजुअल सी बात है कि एक ऐसा शख्स के ऊपर सवार होता है और मोस्टली इसके पास जो है वो 125 होती है और इसको सीसीटीवी कैमरा कैप्चर भी करता है, लेकिन हमारी पुलिस जो है उसकी नाहली इतनी है कि वो किसी और को पकड़ लेती है शुबे में और उसके बाद फिर दोबारा से एक बयान आता है कि जी गलती से गलत बंदे को पकड़ लिया गया है. तो क्या हमारी पुलिस एहलकार इतने नाअहल हैं कि वो एक शख्स को पकड़ नहीं पा रहे हैं या फिर ये छलावा छलावे ग्रुप की सूरत में है? ये बहुत सारे लोग हैं. इसी हवाले से अगर एक रिपोर्ट के बारे में बात, साहिवाल का एक जेल में एक शख्स है जो कि वहां से फरार हुआ है और उसका नाम भी छलावा है और ये 45 खवातीन को इसने छुरे के वार से जख्मी किया है और ये उस जेल से गायब है. तो क्या ये वही शख्स है? इसके हवाले से भी हम अपने शो में बात करेंगे और मजीद बात करेंगे. टॉप से हमने देखा डीजीआई एसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में नून लीग के जितने भी तहफ़ुज़ात थे उसके हवाले से भी उन्होंने बात की और साथ साथ बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने इंडिया को भी कुलभूषण के मामले पे भी कि जी लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप जो छेड़छाड़ कर रहे हैं वो हमारी नज़र में है, लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो उसका हम भरपूर जवाब देंगे. बिल्कुल जनाब, जहाँ ये स्टोरी डिस्कस होने वाली है वहीं पर सबसे अहम और आज की बड़ी खबर जो हम शो में शामिल करेंगे वो है डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ कपूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसने जहां पर बहुत सी बातें क्लियर कर दी है वहां पर कुछ नए सवाल दिए हैं. तो हमने कल देखा कि मार्शल लॉ के हवाले से जो तमाम तरफ थी आसिफ कपूर ने उन तमाम तरफों को रद्द किया और मार्शल लॉ के हवाले से जो तमाम खदशात जाहिर किए जा रहे थे उनको भी खत्म किया. साथ ही साथ हमने देखा कि रेंजर की बात की जा रही थी कि रेंजर्स को किसने बुलाया, क्यों बुलाया गया, इस पर भी उन्होंने कहा कि हर चीज जनाब तहरीरी नहीं होती, कुछ चीजें जबानी भी होती हैं. जिसके बाद वजीर मुमलिकत बराए दाखला यानी कि तलाल चौधरी साहब ने भी इसकी वजाहत पेश की, जिसके बाद उनका ये कहना था कि हमें ना तो तहरीरी तौर पर और ना ही हमने जबानी तौर पर रेंजर्स को तलब किया था, रेंजर्स अपनी मर्जी से आई है. जिसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी भी 72 घंटे का जो टाइम दिया गया था उस टाइम फ्रेम के अंदर तफसीलात और वजाहत तलब ही की गई है. एक तो ये स्टोरी है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे. दूसरी जानिब अगर हम बात करेंगे आज तो कुछ बात करेंगे स्पोर्ट्स के. हमने देखा कि क्रिकेट, फुटबॉल और रेसलिंग के बाद अब हॉकी की भी इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आ रही है. जैसे कि आप जानते हैं कि निशाने हैदर हॉकी टूर्नामेंट कराची में होने जा रहा है, तो मुख्तलिफ ममालिक की जो टीम्स हैं 11 गोलकीपर जो हैं वो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं और कराची में इस टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा. जबकि साथ साथ आज पाकिस्तान और श्रीलंका का भी मैच होने जा रहा है जो 4 बजे का वक्त बताया गया है कि ये मैच शुरू होगा और पाकिस्तानी टीम जो है वो पूरी पुरजोश दिखाई दे रही है कि वो अपनी इस सीरीज को बराबर करेगी क्योंकि पहला मैच जो है वो श्रीलंका ऑलरेडी जीत चुका है. और आज के मैच की स्पेशल बात ये है कि वहाब उनको भी उनकी भी शमूलियत को मैच में कहा जा रहा है कि शायद वो भी आज के मैच में शामिल होंगे. तो ये चीजें जो है वो आज के शो में डिस्कस होंगी. इसके साथ साथ हम एक और स्टोरी जिसके बारे में बात करेंगे और जिसके बारे में हमने पहले भी अपने शो में बताया था कि हमारी मूवीज के अंदर आइटम सॉन्ग का ट्रेंड कुछ ज्यादा बढ़ चुका है. आज रोज जो है वो कोई ना कोई मूवी जो रिलीज होती है उसके अंदर आइटम सॉन्ग तो ऐसे हो गया जैसे कोई लाजमी जुज्व है. तो क्या हमारी मूवीज इतनी इस काबिल नहीं है कि हम अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर रिलाय करके एक मूवी को बना सकें? आइटम सॉन्ग होना इन मूवीज में होना क्यों जरूर, इस सब पर आज के शो में बात करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे भी कि कल आश न्यूज ने कितनी जबरदस्त रिपोर्टिंग का मुजाहरा किया है. आपको बताया आश न्यूज ने फतेहपुर के हवाले से सबसे पहले हम लोगों ने ये ब्रेकिंग दी, सबसे पहले हम लोगों ने आपको ये बताया कि किस तरीके से ये वाकया अफसोसनाक हादसा जो है एक
फतेहपुर में हुआ, जिस पर देखकर जिसको सुन के यही लग रहा था कि वाकई जो कहा जाता है कि हम लोग जो हैं अंदरूनी और बैरूनी तौर पर भी चैलेंजेस से निमट रहे हैं, हम लोगों को बहुत ज्यादा थ्रेट्स हैं, बहुत ज्यादा खतरा है। तो कल ये बात साबित हो गई किस तरीके से वहां पर किया गया, किस तरीके से वहां पर मजार पर जायरीन आए हुए थे और 15वीं मुहर्रम थी जिसके बाद जो है वहां पर दुआ की जा रही थी, बहुत सारे जायरीन वहां पर आए हुए थे और वहां पर फिर जी बिल्कुल 19 लोग जान से गए। इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। सिचुएशन के अंदर रहते हुए फौज का जो काम है वो करेगी, लेकिन इसमें किसी किस्म की ये परसेप्शन जिसके पीछे है या कोई मार्शाला लड़ना चाहता है, दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट इवन टू बी टॉक्ड। DGISPR मेजर जनरल आसिफ कपूर की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुल्क में मार्शल लॉ की अफवाहों को रद्द कर दिया, रेंजर्स को किसने बुलाया इसका जवाब भी दिया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर सिक्योरिटी जिम्मेदारी संभाल ली, हर हुक्म तहरीरी शक्ल में होना जरूरी नहीं। को लिखा और उसकी एक कॉपी जो है रेंजर्स को भी आई, बाकी जो है वो एक ड्यूटी की जगह पे खड़ा है। उसको ये है कि जी आपने गैर मुतलका अफराद को आने की इजाजत नहीं देनी, एक रेंजर्स के सिपाही ने अपनी ड्यूटी की है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक लोकल मिसकोऑर्डिनेशन थी जिसको बहुत ज्यादा जो है वो हाइप मिल गई, मुबारक साधुओं वाली कोई बात नहीं है। बलोचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दों ने बुजदिलाना कार्रवाई की, गंधावा में मजार को लहूलुहान कर दिया, धमाके में शहीद होने वालों की तादाद 19 हो गई, सूबे में फिजा सोगवार। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डालेंगे आज के अखबार की हेडलाइंस पर। जी चले जनाब, जंग में जो सबसे जो मेन लीड है वो है आईनी हुकुम मानने की पाबंद रहती है फौज, सरहद पर जंग के खतरात, भारत बाज न आया तो कीमत चुकाएगा। वही DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो प्रेस रिलीज थी, उसको मेन लीड का हिस्सा बनाया गया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर बहुत ज़्यादा फोकस करके देखा जाए तो डेफिनेटली बड़ी जामे, बहुत ज़बरदस्त और बहुत कंट्रोल्ड किस्म की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इंतहाई ज़बरदस्त बातें कि उसमें DGISPR तमाम लोगों के तहफ़ुज़ात, चाहे वो हुकूमती सतह पर हों, चाहे वो बैन अल-अक़वामी सतह पर हों, चाहे अमरीका का मामला हो, चाहे भारत का मामला हो, चाहे अफगानिस्तान का मामला हो, तमाम ही मामलात को डिस्कस किया गया, तमाम ही मामलात को ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया और साथ साथ बता दिया गया कि पाक फौज जो है अगर उसके ऊपर जंग मुसल्लत की जाती है, पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस खबर को जंग ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया हुआ है। तो जनाब ये खबर, सेम यही खबर यहाँ पर एक्सप्रेस रोजनामा में भी लगाई गई है जो कि मेन लीड है। अगर इसकी बात करें और इस हेडलाइन को मैं पढ़ना चाहूँ तो जरूर आपको बताऊंगी, फौजी तर्जुमान आसिफ गफूर का ऐसा कहना है कि इदारों में तसादुम नहीं, कोऑर्डिनेशन बेहतर होनी चाहिए, खामोशी भी इजहार का तरीका है। ये स्टेटमेंट उनकी कि खामोशी भी इजहार का एक तरीका है ने एक हलचल सी मचा दी। हमने देखा कि जो इस वक्त तमाम सियासी जमातों की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बहुत सी बातें की जा रही है, उसमें ये स्टेटमेंट जो है उसने काफ़ी नए सवालात को खोल दिया। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत से लोग समझ रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें क्लियर कर दी हैं, वहीं पर बहुत से लोगों का ये भी कहना है, तज़ियाकारों का ये भी मानना है कि इसने कुछ इस कॉन्फ्रेंस ने कुछ नए सवालात भी खड़े कर दिए हैं, जिसमें से ये एक अहम सवाल है जिसके ऊपर लोग आजकल बात भी कर रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो यहाँ पर खबर लगाई गई है। उसके अलावा जो मेन आज की हेडलाइन है वो झलमक्सी के हवाले से है, जहाँ पर हमने देखा कि फतेहपुर मजार पर कल दहशतगर्दाना एक कार्रवाई की गई, बुजदिलाना कार्रवाई की गई, हमारे जो जवान थे उन्होंने जो है अपनी जान का नजराना पेश कर लोगों की जानों को बचाया। अब तक की इतलात के मुताबिक 20 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 35 के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही है। एक बार फिर से बलूचिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, ये अफसोसनाक खबर जो है यहाँ पर आज मेन हेडलाइन लगाई गई। अच्छा जी, खबर के हवाले से आपने बात की, ISPR की ब्रीफिंग के हवाले से आपने बात की, तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो उसमें यही बात की उन्होंने नबी की, जी लोकल मिस्टेक्स हो सकती है, तो यही साद रफीक भी कह रहे थे कि जी हम इदारों से टकराव की सूरत हाल नहीं जानते हैं और डेफिनेटली कोई लोकल ऑफिसर की गलती होगी तो इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर इन दोनों की बातों का मवाजना किया जाए तो बड़ी
नजर आती है। और अगर दूसरी बात की जाए कोयटा के हवाले से, झलमक्सी के हवाले से, फतेहपुर के हवाले से, तो कोयटा से 350 किलोमीटर दूर ये जगह है जहां पर इस तरीके का ये खुदकुश हमला किया गया है। खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश की गई लेकिन उसके बावजूद भी खुदकुश हमलावर अंदर आया और उसने इस तरीके का हादसा या वाकया पेश किया। इसके बाद अगर मजीद बात करें कोयटा के हवाले से, तो यही 2005 में भी इस दरगाह पर खुदकुश धमाका हो चुका है। और आज न्यूज़ के हवाले से अगर बात की जाए, तो आज न्यूज़ ने सबसे पहले अपने नाज़रीन को आगाह किया, इस खबर के पूरे कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया और गाहे बगाहे हम आपको अपडेट करते रहे। और इसी हवाले से हम मजीद बातचीत भी करेंगे कि जहां पर हम बैरूनी तौर पर खतरात से निमटने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, वहीं पर जहां पर हुकूमत स्ट्रगल कर रही है, वहीं अपोजिशन ने नैब चेयरमैन के हवाले से शोर मचाया हुआ है, वहीं इस तरह के वाकयात होना और फिर कराची में छलावा ग्रुप बड़ी सवालिया निशान है। इस वक्त आपको बताएं कि दानियाल अजीज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। मफरूर है और आज उनकी जो जायदादें हैं उनको बहक सरकार कुर्क करने का होना था, लेकिन साजबाज करके मुकामी सतह के अहलकारों के साथ उनका रिकॉर्ड यहां पर पेश करने से रोक दिया गया है। तो आज ये वही बिल्डिंग है, वही आता है ये, जहां पर मुल्क के जो वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब वो पेश हुए और उन्होंने कानून और आइन की पासदारी साबित की, जबकि उनके खिलाफ मीडिया में मुख्तलिफ जो एंकर और दूसरे उन्होंने बहुत तनकीद का निशाना बनाया कि ये जो कानून है इसके आगे इसकी पास वो आइन के लिए बहुत अहम है, जमहूरियत के लिए अहम है। लेकिन आज हम देखें कि यहाँ पर वो अदारे जो आइन और कानून की पासदारी का दावा करते हैं, आज वो यहाँ से गायब हैं। आज कोई ज़रूरत पेश नहीं आई अदारों को मजबूत करने की, और ढाई साल से यही आलम चल रहा है। किसी को हरकत में आने की ज़रूरत नहीं थी, किसी को महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पर अदालत की तोहीन हो रही है और पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो हैं वो दाखिल की गई हैं। लेकिन इस केस में ये बड़ा अहम है कि कौम को पता चले कि असल मसला क्या है। असल मसला ये है कि जिस दिन असदुल्ला जुनेजो साहब के सर में किलो वाले डंडे मारे गए मेन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे रेड जोन में, और उनके जो सिपाही थे उनकी हड्डी वो कोमा में चले गए, उसके मुख्तलिफ चैनल्स ने बीसीओ रिकॉर्डिंग्स बनाई और वो रिकॉर्डिंग्स जो है पैमरा से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो पुलिस का एहलकार था वो सीडीज मंगवाई, वो 40 रिकॉर्ड जो था वो पैमरा के यहाँ पर गवाही के मुताबिक उनको पेश किया गया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। उन सीडीज ने नादरा भेजा जाना था ताकि वो जो 40 नामालूम अफराद हैं उनकी शनाख्त हो सके, लेकिन आईओ ने यहाँ पर बयान दिया कि मेरे पास तो सिर्फ एक सीडी आई है, वो बीच में से 39 वो गायब हो गई। वो क्यों गायब कर दी गई, वो किसने गायब की, ये किसको तकलीफ हो रही है कि इन लोगों की शनाख्त ना हो, ये पता चलना चाहिए। वो लोग जो पीटीवी सेंटर में गए, जिन्होंने नशरियात बंद की, जिन्होंने पार्लियामेंट को अटैक किया, जिन्होंने वजीर आजम के गेट पर जाके क्रेन के साथ गेट उखाड़ा, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को ठेस पहुंचाई, दारुल खिलाफा को कितने महीने तक बंद रखा, यहाँ पर फॉरेन डिग्निटरीज नहीं आ सके, ये इतना बड़ा सानिया हुआ और सारे के सारे उसको पी गए। ये वो अदारे हैं जिनको ताकतवर बनाना मकसूद था। तो मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, आप अदारों के जरिए सियासत खेलना चाहेंगे और साथ उसी सांस में कहेंगे कि अदारे मजबूत भी होने चाहिए, तो फिर ये कौम के सामने एक बहुत बड़ा घिनौना मजाक बन जाएगा। आज हम यहाँ पर आए हैं, आपके सामने है सब कुछ, ये जो कार अपनाए गए हैं एक शख्स के लिए एक और दूसरे शख्स के लिए दूसरा, ये आपके सामने है, ये खुली किताब है। और मैं भी आज कहता हूं कि इससे आगे बेहतर ये है कि मैं भी खामोश रहूं, खामोश रहूं, ये भी एक बयान है। बहुत शुक्रिया। दानियाल अजीज़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये ढाई साल से ये आलम चल रहा है और इस केस में ये अहम है कि कौम को पता चले कि सूरत हाल क्या है। तकीद की और साथ साथ कहा कि आप इदारों के जरिए सियासत खेलना चाहेंगे और कहेंगे कि इंसाफ मिले, तो ये तो फिर खुला मजाक है और बहुत ज़्यादा बरहम दिखाई दिए वो अपोजिशन। चले जनाब आगे बढ़ते हैं और मजीद कुछ खबरें अखबारों की शामिल करते हैं जिसमें
करेंगे हम चेयरमैन नैब की तकरीरी के हवाले से। खुर्शीद शाह का तो ये कहना है कि डेडलॉक खत्म हो चुका है और पीटीआई ने भी जो अपने तीन नाम दे दिए हैं, पीटीआई की जानिब से अगर आज़ाद किए जा रहे थे कि हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन आखिर अब पीटीआई ने भी अपने तीन नाम दे दिए हैं जिससे खुर्शीद शाह जो है वजीर आजम के साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद चेयरमैन नैब की तकरीरी का भी फैसला हो जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन यहाँ पर जो अजीब वरीब बन रही है वो ये कि अगर अब भी इस पर मजीद सूरत अभी सबका इत्तेफाक ना हुआ इन नामों के ऊपर तो फिर ये मामला पार्लियामेंट से हटके सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है, जिसकी वजह से काफी खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि जनाब पार्लियामेंट की बालादस्ती पर जो है वो सवालात उठ जाएंगे कि कोई भी फैसला पार्लियामेंट में तो किया नहीं जा सकता लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हर बार रुजू। ये खबर एक यहाँ पर लगाई गई है, उसके साथ से जना दूसरी खबर है नवाज शरीफ के हवाले से जो कि लंदन रवाना हो चुके हैं और कल हमने इसी हवाले से ब्रेकिंग भी की, आपको लाइव दिखाए वो मनाजिर जब वो लंदन के लिए रवाना हो रहे थे और उनका जो प्लेन था वो कुछ ताखीर के बाद लंदन के लिए उसने फ्लाई किया। तो ये खबरें जो है वो आज अखबारों की जीनत। अच्छा, एक और अहम इजलास भी इसी हवाले से वफाकी दारुल हुकूमत का हम रुख करेंगे और आज क्या बड़ी खबरें हैं वहाँ से और कौन से मेगा इवेंट्स होने जा रहे हैं ये जानेंगे हम हमारे नुमाइंदे वसीम रजाक से। जी वसीम रजाक, अपडेट कीजिए। इस्लामाबाद की तो इस्लामाबाद में आज सुप्रीम कोर्ट में रूटीन के केसेस की समाअत होगी और ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनब से इलेक्शन बिल में जो तरामीम की गई थी और जिनको बाद में वापस किया गया, इस हवाले से एक एप्लीकेशन भी दायर किए जाने का इम्कान है। इसके साथ अलावा इमरान खान के खिलाफ इफ्साद दहशतगर्दी केस में अदालत में केस की समाअत होगी, इमरान खान और शेख रशीद डेफामेशन केस की भी समाअत होगी, नेशनल असम्बली का इजलास होगा, ईसीसी जो इजलास होगा, इसके अलावा एप्स जो एशिया जो के जितने भी स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं उनकी कॉन्फ्रेंस भी आज इस्लामाबाद में हो रही है जिसमें मरियम औरंगजेब उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है मरियम औरंगजेब उसमें मेहमान खुसूसी होंगी और इसके साथ साथ सायरा अफजल तारण भी में आज शिरकत करेंगी और इसके इस सेमिनार में शिरकत करेंगी। ये बुक लॉन्चिंग सेरेमनी रावलपिंडी में एक चाइना के हवाले से बुक लॉन्चिंग की सेरेमनी हो रही है रावलपिंडी में। इसके अलावा अगर इस्लामाबाद के मौसम की बात करें, इस्लामाबाद में आज धूप निकली हुई है, इस्लामाबाद में जो गर्मी है तकरीबन वो खत्म हो चुकी है और मौसम काफी हद तक खुश बहुत शुक्रिया वसीम रजाक। आप हमें थे शहर इक्तदार से जहाँ पर मौसम खुशगवार है, धूप निकली हुई है लेकिन गर्मी का जोर टूट चुका है। वैसे भी जनाब कहा गया था कि 24 सितंबर के बाद से मौसम ठंडा होना शुरू हो जाएगा, मौसम सर्मा का आगाज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं लाहौर का जहाँ पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा हमा बटन से जानते हैं कि लाहौर शहर में कैसा मौसम है और क्या सियासी और गर्मियाँ होने जा रही है। जी हमा बट अपडेट कीजिए। आज अगर लाहौर के मौसम का भी पहले जिक्र कर दिया जाए तो लाहौर का मौसम भी इस्लामाबाद की तरह तो नहीं लेकिन यकीनन थोड़ा सा बेहतर हो चुका हुआ है। यहाँ पर भी अक्टूबर स्टार्ट हो गया है तो उसकी वजह से जो मौसम सर्मा की आमद है उसके बारे में यकीनन हमें अभी फील होना शुरू हो गया कि मौसम सर्मा आना शुरू हो गया है, तो इसलिए सुबह के वक्त भी ठंडक होती है और शाम के वक्त भी ठंडक होती है लेकिन दरमियान में ये जो सूरज हमारी तरफ चमकता रहता है उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी सी हम लोगों को गर्मी भी लगती है लेकिन मौसम बेहतरीन है, आना चाहिए लाहौर में। और अगर सियासी और समाजी सरगर्मियों के बारे में जिक्र करूँ तो सियासी समाजी सरगर्मी में मेन इवेंट जो है वो आज का लाहौर का आगाज जो होगा वो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी, आज मुलाकात करने जा रहे हैं जमात इस्लामी के सरबरा सिराजुल हक से और आज यकीनन उनकी मुलाकात होगी चेयरमैन नैब के जो के हवाले से की तकरूरी के हवाले से जो तीन नाम तजवीज़ किए गए हैं उसके ऊपर यहाँ पर आए हैं और मुलाकात करेंगे और उसमें हिमायत भी हासिल करेंगे और उसके बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी दोनों रहनुमाओं की तरफ से। तो ये आज का मेन इवेंट है, उसके बाद यकीनन हम लोग देखेंगे क्योंकि आज श्रीलंका के साथ मैच का भी आगाज़ होने जा रहा है, तो जहाँ पर मैच का आगाज़ हो रहा जा रहा है तो वहीं पर यहाँ पर एक वसीम अकरम जो कि मार्केटर भी हैं तो उनकी तरफ से एक तकरीब में उनको मधु किया गया है तो वो यहाँ पर आएंगे और हमें अपने जो एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं उससे यहाँ ठीक है जी वसीम अकरम बताएंगे अपने ओपिनियंस के बारे में और शायद उससे हमारे प्लेयर्स को कोई टिप्स मिल जाए अगर वो सुन ले तो। खैर आगे बढ़ते और कराची का रुख करते और कराची में मौजूद है एहसन अब्बासी और एहसन अब्बासी से यही बात पूछेंगे कि छलावा ग्रुप का क्या हुआ, कितनी पेशरफ्त हुई इस केस में, पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, कौन सी मैजिकल कैप पहनी हुई है इसने जो ये हाथ ही नहीं आ रहा पुलिस के। एहसन जी बिल्कुल, आज जो है आज का दिन भी पुलिस
है मुख्तलिफ मकामात पे टारगेटेड ऑपरेशंस किए उसी की गिरफ्तारी के हवाले से, लेकिन वो छलावा जो है वो हाथ नहीं आके दे रहा, अपने वार पे वार जो है वो निशाने पे ज़रूर लगा रहा है, लेकिन पुलिस का एक वार है जो कि निशाने पे नहीं लग के दे रहा। क्या वजह है? मुलजिम की अपनी शनाख्त नहीं दे रहा है, जो कैमराज लगे हुए हैं उससे मुलजिम की शनाख्त जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रही है, जिसके बाद जो है वो बआसानी शहर भर में वारदातें करता फिर रहा है। गुलिस्तान जौहर को पहले टारगेट किया और जब वहां पुलिस के मुताबिक उसका घेरा तंग कर दिया गया तो उसने इलाका तब्दील किया, गुलशन नीपा चौरंगी पर टारगेट करना शुरू कर दिया खवातीन को। अब देखना यह है कि अगर मुलजिम गिरफ्तार हो जाता है जैसे दावे किए जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गिरफ्तार नहीं हुआ तो शहर के दूसरे इलाकों का भी यकीनन ये रुख कर सकता अच्छा, है। अच्छा, भी कहा जा रहा है गुलिस्तान जौहर के जो स्पेसिफिकली शहरी है वो ये कह रहे हैं कि जी बैरियर्स लगा दें ताकि कुछ फायदा तो हो जाए, बाकी तो उस हवाले से कोई इकदाम करिए इंतजामिया। जी बिल्कुल, देखिए बैरियर्स नहीं लग सकते उस पर तो जो है जी, वो जी, रेंजर्स ने ऑपरेशन करके मुकम्मल तौर पे तमाम शहर कराची से बैरियर्स खत्म किए हैं, दोबारा से नहीं लग सकते, लेकिन आवाम यकीनन ये जरूर कह रही है कि इंतजामिया जो है वो मुकम्मल नाकाम होती हुई नजर आ रही है। माओ बहनों को जो है वो हम इस तरीके से, बहुत शुक्रिया आप हमें अपडेट से कराची से, और कराची के हवाले से जनाब दीगर भी कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शो में शेयर करेंगे, लेकिन यहां पर लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग एट। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब अखबारों में क्या कुछ था और आज कौन कौन सी स्टोरीज पर हम डिस्कशन करेंगे तो आपको बता दिया, लेकिन कुछ अहम मौजू जो कि अखबार में जेरे सब बताने के लिए हमारे साथ नफीस नईम साहब भी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नफीस साहब, क्या लिख रहे हैं दारिये, क्या है आज हमारे पास डिस्कशन जी? एक्सप्रेस का एक अदालती नोट है, कराची छुरा मार मजनूनाना वारदातों का सदे बाब नागुजीर। हम देख रहे हैं कि ये बड़ा एक सरासिंगी फैली हुई है, खवातीन में खास कर खौफ हरास है की गुलिस्तान जौहर में और अब गुलशन इकबाल तक में चली गई। क्या हो रहा है कि एक मोटरसाइकिल सवार, हर जगह हर मीडिया में आपने एक लफ्ज़ सुन रहे हैं, छलावा छलावा छलावा, आखिर वो है कौन जो पकड़ा नहीं जा रहा? ये आज हम आपसे सुनना चाहेंगे कि वो है कौन? मैं आपको बताता हूँ, 25 सितंबर से ये वाकया शुरू हुए हैं और 13 वारदातें हो चुकी हैं। वो आता है और जिस तरीके से उसका वारदात का तरीकेकार है, कोई पैनिक नहीं है, बिल्कुल लोग कहते हैं नफसियाती, मैं कहता हूँ अगर नफसियाती है, नफसियाती वो लोग होते हैं जो घरों में भी इस तरह के हरकत, इवन उनकी अपने घर से जो है शिकायतें पुलिस स्टेशन जाती हैं, वो कैसा नफसियाती है कि उसने पूरी इंतजामिया को मफलूज करके रख दिया है, पुलिस जो है वो उसके साथ आगे बेबस है, चीफ मिनिस्टर से लेके तमाम जो है इंतजामिया जो है वो हिली हुई है कि इस वक्त। और कल हमने एक बयान, बड़ा एक हल्का फुल्का बयान भी देखा आईजी का, और उसमें बात एक सबसे बड़ी, उन्होंने कहा कि खवातीन जो है वो रात के टाइम ना निकले और ऐसे लोनली एरिया में ना निकले, कुछ नहीं हो रहा तो खवातीन ना निकले, ठीक है। और फिर उन्होंने दुआ भी की कि अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम इसे गिरफ्तार कर लें। एक शख्स मोटरसाइकिल पर, छुरी उसके पास है सिर्फ और कुछ नहीं, और आप बेबस हैं, और उसकी बात, उस कार्रवाई का तरीकेकार भी ये देखें कि वो जो आखिरी उसने एक घंटे के अंदर की है, उस तरीकेकार ये कि वो मीडिया के प्राइम टाइम में काम करता है ताकि वो खबरों की जीरो बन जाए। उसके पास है भी 125, आप तमाम 125 वालों को फिर चेक कर ले थोड़े दिन के लिए, बैन कर ले, 125 वालों को चेक कर ले, लेफ्टी है वो, उसका रिकॉर्ड मंगा ले, और सबसे ऑल्टर्ड मोटरसाइकिल चला रहा है। वो सिर्फ 7 मैकेनिक कराची में ऐसे हैं जो इस पर काम करते हैं, अगर आप तफ्तीश करें तो आप आराम से, और 2 इलाके हैं, अगर आप सादा लिबास में भी लोगों को पकड़ लेंगे, या वो सीसीटीवी अवल तो ही करें कि वो जो आपने अरबों रुपए लाखों रुपए डॉलर का जो खर्च करके सीसीटीवी कैमराज लगाए तो उनकी क्वालिटी नहीं है कि आप उसका चेहरा पहचान सकें। रात के टाइम खवातीन ना निकले तो दिन की गारंटी ले रहे हैं ये लोग के दिन में निकलेंगे तो कुछ इस तरह का वाकया पेश नहीं आएगा? दिन में ज्यादा कार्रवाई नहीं की, अगर फिर हो सकता है कि आप दिन में ही बैन करें। कौन सी सलमानी टोपी पहनी हुई है जो वो पकड़ा नहीं, तो मुझे लगता है वो रात में चलती है उसकी वो मैजिकल। अच्छा, इसमें वो इदारती नोट भी ये कह रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स भी आए हैं कि नफसियाती का नहीं, उस हो सकता है कि कुछ, या तो वो एक कहते हैं ना कि दिल जला आशिक है, या फिर सुतैली माँ का है, क्योंकि हमने देखा था रावलपिंडी में गुज़िश्ता साल भी 14 ख़वातीन को जख्मी जिस शख्स ने किया था, और उसके वो सुतैली माँ का सताया हुआ था। बिल्कुल। और उसके अलावा मोहम्मद वसीम नाम, ये मोहम्मद अली की बात बता रहा हूँ जो रावलपिंडी में, मोहम्मद वसीम ने 2013 से 2015 में 45 ख़वातीन को जख्मी किया था, चीचा वतनी साहिवाल में एक्टिव था, 8 माह की सजा हुई, उसके बाद वो गायब हो गया, पता नहीं कहाँ है, इस पर कुछ नहीं पता, हो सकता है कि वही वापस कार्रवाई कर रहा है। लेकिन एक अहम बता रहा हूँ वो ये कि जब हथौड़ा ग्रुप कराची में आया था 1985 में, उस वक्त उसके महरकात कहते थे, कोई कहता था केजीबी के एजेंट्स हैं, कोई कहते थे कि ये अफगानियों का जो वो है, कोई कहते थे कि सियासी तंजीम आई है लिसानी बुनियादों पर वो ये कार्रवाई कर रही है,
पॉलिटिकल और इस तरह का उसका एक एंगल लिया था। और अब भी वो जो कार्रवाई हो रही है वो ये हो रही है कि सिंध पुलिस में थोड़ा सा आपस में डिवीजन है, डिवीजन है, वो यहां पर भी है कि कहीं ये तो नहीं है कि किसी को फंसाने की हो रही है, जिस तरीके से वो कार्रवाई कर रहा है वो इतना पुरामन और इतना एतमाद के साथ है कि मैं गिरफ्तार नहीं हूं। नफीस भाई, एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम उसकी सीसीटीवी फुटेज देखें और उसकी हरकत और सकनात के ऊपर गौर करें, 125 वो लेता है, उसकी डील डाल भी जो है दुबला पतला सा, उसने हेलमेट पहनी होती है, हेलमेट पहनी होती है, अब कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्या मतलब किस तरीके से हम सीसीटीवी फुटेज के थ्रू मदद ले सकते हैं? भाई ये तो कंफर्म है कि वो अपनी फेवरेट सवारी 125 पे जब ये हेलमेट मुहिम चल रही है और आप चेक कर किस तरीके से फिर ये पुलिस क्या? बहुत इजी, बहुत इजी है, आपके पास सीसीटीवी कैमरा हर जगह पर है, हर जगह पर है सीसीटीवी कैमरा। आपने देखा है कि लाल रंग की मोटरसाइकिल पर 125 के पास गाड़ी है, पैंट शर्ट में आता है, जींस पहनी हुई है, हेलमेट लगाता है, आप मॉनिटर करें किस किस जगह पर जा रहे हैं, आपको पता तो लगेगा ना कि इस स्ट्रीट से गुजर रहा है, आपको उसकी लोकेशन का जो है आउट करने में आसानी हो जाएगी अगर आप करना चाहें, वरना आप सादा लिबास में पुलिस सेल का, इनके मुखबिर इतने होते हैं कि मेरी एक इत्तेफाक हुआ था, उन्होंने कह दिया था पुलिस वाले से मेरी बात हुई, उसने कहा कि नफीस भाई आप इस टाइम आते हैं इस टाइम जाते हैं, हमें मालूम है आपकी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है लोगों से, उसने मुझे एक एक चीज बताती थी। बिल्कुल हाँ, तो आपका इतना इंटेलिजेंस नेटवर्क है आपका, तो आप इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कोई सिक्योरिटी लैक्स है। अच्छा, एक खबर जिस खबर ने पिछले 2-3 दिन से पूरे मुल्क में ही तहलका मचा के रखा हुआ है, और जब ये खबर मुझे पता लगी तो आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज़ कि मेरे कान ख़राब हो गए हैं या मैं सुन गलत रही हूँ या ये कैसे हो सकता है। हिंदू मुस्लिम किसी भी शख्स के पूरे पाकिस्तान में, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मसलक से हो, उसके जज्बात मजरूह हुए, वो इंतहाई सैड हुआ, वो परेशान हुआ। वो मामला था इस्लाहाती बिल का, उसके हवाले से आपसे पूछना चाहेंगे कि एडिटोरियल में क्या है। जी हाँ, एक बहुत सेंसिटिव इशू था ये कि अब हमने देखा कि जुमेरात के रोज़ जो है पार्लियामेंट ने इस्लाहाती बिल तीसरी बार तरमीम की मंजूरी दी, और वो हल्फनामे में जो एक वो चीज़ लकुनास थे जो उसे वो कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव इलेक्शन दो था, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन दो था, दो का 6(7)(b) और 7(c) को की तरमीम दोबारा की है। इस पर पार्लियामेंट में ये बड़ा शोर उठा, अरकान ने कहा इस शिक से ये था कि कादियानी उसके हवाले से जो आप खत्म नबूत के हवाले से जो हल्फनामा था वो इकरारनामा बन गया था। गवर्नमेंट ये कहती है कि ये क्लरिकल मिस्टेक है, खुद हमने जाहिद हामिद साहब के वज़ीर कानून की ये चलाया कि उन्होंने बकायदा मीडिया पर आकर शोर जब क्रिटिसाइज किया गया तो उन्होंने कहा कि ये देखें इंटैक्ट है बिल, कुछ तरमीम नहीं की। उसके बाद गवर्नमेंट ने खुद मान लिया और नवाज शरीफ साहब को भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने सेक्शन लिया। अब ये सवाल पैदा होता है, ये जमाली साहब ने भी ये बात की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कि जब आप डॉन लीग्स पर इतना सख्त एक्शन ले सकते हैं कि वुजरा तक से इस्तीफे ले लेते हैं तो इस पर आपने क्यों एक्शन नहीं अभी लिया? तो नफीस ने साफ रखा है, कहा है कि सजा भी दी जाए और इस मामले को इतना लाइटली ना लिया जाए, मामला वाकई में बहुत सीरियस है। इस पर मजीद भी कुछ बातचीत पर हम कुछ बात करेंगे, पाक फौज के हवाले से भी जिन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम अफवाहों को रद्द कर दिया है। रेंजर्स को किसने बुलाया इसका जवाब भी दिया, और साथ साथ ये भी कहा है कि रेंजर्स ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर ये संभाली थी। हर हुक्म तहरीरी शक्ल में होना जरूरी नहीं है, तर्जमान पाक फौज ने यह भी कहा कि फौज पर तनकीद और गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज होने जैसी बातें नहीं की जानी चाहिए। जबकि न्यूज कॉन्फ्रेंस में मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि मुआशी इदारे दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहे। सिचुएशन के अंदर रहते हुए फौज का जो काम है वो करेगी, लेकिन इसमें किसी किस्म की ये परसेप्शन देना कि फौज इसके पीछे है या कोई मार्शल लॉ लगना चाहता है, द थिंग्स व्हिच आर नॉट इवन टू बी टॉक्ड। पाक फौज ने मुल्क में मार्शल लॉ की अफवाहों को रद्द कर दिया है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज होने और फौज पर तनकीद जैसी बातें नहीं की जानी चाहिए। इससे मुतालिक आर्मी चीफ मुख्तलिफ फोरम्स पर तफसीली बात भी कर चुके हैं। कानून पर अमल यकीनी बनाना है, मुल्क के लिए इदारों का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। प्रेस ब्रीफिंग में उनका कहना था कि माशी इदारे दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहे। पाक फौज ने नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी पर रेंजर्स की अदालती इमारत पर कंट्रोल सिक्योरिटी जरूरत करार देते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि हर हुक्म तहरीरी हो, जो गलत फहमी पैदा हुई वो 15 मिनट में दूर भी कर दी गयी। रेंजर्स के इकदाम को सराहना चाहिए था, वहाँ पे जो मिस कोऑर्डिनेशन थी बिटवीन दी थ्री स्टेक होल्डर्स, 10 से 15 मिनट में वो मिस कोऑर्डिनेशन जब ख़त्म हो गई, अतला पहुंच गई, तो जो फॉलो अप इनकी जो थी वो अंदर भी गए हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये एक लोकल मिस कोऑर्डिनेशन थी जिसको बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप मिल गई। इसमें
کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں میں تصادم اداروں میں تصادم والی کوئی بات نہیں ہے ہمیں اس کوارڈینیشن کو بہتر بنانا ہے اور سپاہی کو جو ڈیوٹی دے رہا ہے اس کو انکریج کرنا ہے تاہم حکومت کی جانب سے اس واقعے پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے وزیر داخلہ نے تو مستعفی ہونے کی دھمکی تک دے دی تھی یہ اصول ثابت نہیں ہوگا کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کیا ہے اور سول ایڈمنسٹریشن کی ریٹ کیا ہے دین آئی ول ریزائن ایز حکومت نے اس معاملے پر ڈی جی رینجرز سے وضاحت بھی طلب کر رکھی ہے لیکن اس کے برعکس فوج تو اس معاملے پر رینجرز کی تعریف کر رہی ہے آصف باجوا کہتے ہیں کہ کسی بغیر پاس والے کو نہیں جانے دیا گیا رینجرز کے اس کردار کو سراہنا چاہیے تھا آج سے 8-10 سال پہلے کہیں سڑک پہ پولیس روکتی تھی تو ہم بازو کہ اپنی پولیس ہے خیر ہم نے کون سا جرم کیا ہے لیکن جو سیکورٹی کے انوائرمنٹ آج ہیں اس میں اگر کوئی بھی آپ بھی اس میں شامل ہیں جا رہا ہو تو اگر کوئی روکتا ہے تو وہ رک جاتا ہے ان انوائرمنٹ میں اگر ایک رینجرز کے سپاہی نے اپنی ڈیوٹی کی ہے تو ٹو سٹارٹ وتھ تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس نے آئندہ بھی ڈیوٹی کرنی ہے اب دیکھنا یہ اس کا یہ تضاد کوئی گل کھلاتا ہے یا پھر معاملہ فام و تفہیم سے ختم ہو جاتا ہے یہ سٹوری تو آپ نے جانی ہے ڈی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی گئی جس کو کہا جا رہا ہے کہ بہت سی باتیں کلیئر ہو چکی ہیں لیکن کچھ نئے سوالات بھی اٹھ چکے ہیں تفیظ نعیم صاحب ہی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں آپ ہی سے جان لیتے ہیں لگتا ہے آپ کو کہ کل کی پریس کانفرنس نے چیزوں کو کلیئر کر دی ہے یا مزید کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے ارے وہ ایک کہاوت ہے نا کہ ایک سنار کی سو لوہار کی بہت ساری پریس کانفرنسز ہوئی ہیں ہمارے سابق وزیر اعظم نے بہت سارے شکوے کیے ہیں نون لیگ کی حکومت میں خود وزیر داخلہ ہیں وزیر خارجہ ہیں بہت ساری باتیں نکلی ہیں اس کا جواب جو ہے ایک پریس کانفرنس میں دے دیا گیا ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس میں جو قانون سیکیورٹی سے زیادہ سیاست کے حوالے سے سیاسی اس میں پنجر میں سوالات کیے گئے کانٹیکسٹ میں بات کی انہوں نے کہا بھی کہ میں اس کا جواب جو ہے سیاسی پنس پندر میں نہیں دوں گا اور ساتھ میں خاص کر جو ایک ان سے سوال کیا گیا کہ جو ریاست کے اندر ریاست کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں پیچھے نہیں دیکھا پیچھے دیکھیں گے تو ہم پیچھے ہی رہ جائیں گے اب ہمیں گزشتہ 10 سالوں کی بات کریں کہ جو فوج نے قربانیاں دی اور جو آپ کے اس دلدل سے نکالا دہشت گردی کی طرف سے یہ ایک بہت کون پھر انہوں نے مارشل لا کے حوالے سے ایک بہت اہم بات کی کہ آپ یہ افواہیں سن بھی کہ فوج جو ہے ٹیک اوور کر لے گی یہ کرے گی ہم تو اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتے اس کی بھی انہوں نے بالکل ذکر کر دیا پھر نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک بات کہی گئی تھی کہ جو رینجرز کا ایک ایشو تھا بہت بڑا فیاسکو تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جس میں یہ وزیر داخلہ نے خود مستعفی ہونے کی دھمکی دے دی تھی اس کو بھی انہوں نے بڑے احسن طریقے سے کہا انہوں نے کہا کہ تحریری جو آپ نے بھی ابھی حکم نامے کی ضرورت نہیں ہوتی سیکورٹی ریزن کے باعث جو ہے رینجرز کو وہاں لگایا گیا اور اس پر بھی اس میں اس کو جو ہے نا بڑھا چڑھا کے نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ کا یہ موقف ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں گزشتہ روز ہوئے ثانیہ کی صفاق دہشت گردوں نے ایک اور مزار کو لہو لہان کر دیا بلوچستان میں درگاہ فتح پور پر دھماکے کے نتیجے میں 20 افراد شہید ہوئے جبکہ متعدد زخمی بھی ہوئے درگاہ کے گیٹ پر موجود سیکیورٹی اہلکار نے حملہ آور کو روکنے کی کوشش کی مگر جان قربان کر دی لیکن درجنوں دوسری جانیں بچا لی گئیں بلوچستان میں ایک بار پھر دہشت گردوں نے اپنی کارروائی کی اور گندھاوا میں مشہور بزرگ سید رکھیل شاہ کے عرس کی تقریبات جاری تھیں سب کچھ نارمل تھا کوئی مزار پر حاضری دے رہا تھا تو کوئی دعائیں مانگنے میں مصروف تھا کہ اسی دوران عقیدت مند کی بھیس میں موجود صفاق حملہ آور نے مزار میں گھسنے کی کوشش کی سیکیورٹی پر تعینات پولیس اہلکار نے مشکوک شخص کو دیکھا تو فوری طور پر آگے بڑھا اور سینے سے بندھی خودکش جیکٹ دیکھتے ہی حملہ آور سے لپٹ گیا کچھ حملہ آور تھا اس نے اندر گھسنے کی کوشش کی اور ہمارے بہادر پولیس سپاہی نے اس کو روکا ہے اور ایک اے ایس آئی جو ہے اس نے بھی اس پر اس کو روکنے کی کوشش کی ہے جس سے وہ سپاہی ہمارا شہید ہو گیا ہے اور اس نے ایک عظیم قربانی دی ہے اگر یہ سوسائٹی اندر گھس جاتا تو شاید کیجولٹیز کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی حملے کے بعد ہر طرف زخمیوں کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے عقیدت مندوں کا ہجوم تھا اب وہاں صرف بارود کی مہک تھی دھماکہ اتنا شدید تھا کہ آس پاس کھڑی گاڑیوں اور عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا علاقہ مکینوں اور مزار پر موجود زائرین نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا آج نیوز سے گفتگو میں وزیر داخلہ بلوچستان نے کہا
कि शदीद जख्मियों को कराची और कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। जो क्रिटिकली इंजर्ड है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हेलीबोर्न ऑपरेशन करें और उनको क्या कहते हैं वहां पर पहुंचाएं कराची में या कोयटा में। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसी सब पर मजीद तहकीकात क्या हो रही है और कल हमारे नुमाइंदे जमील मुगल पूरा दिन इस वाकये की कवरेज भी करते रहे, इस वक्त उन्हीं ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। जमील की जानिब भी बढ़ेंगे। जमील ये बताएगा कि अभी तक एग्जैक्ट फिगर क्या है आपके पास, कितने लोग इस हादसे में शहीद हुए हैं? देखिए, मैं पहले तो इस वाकये की तफसील पहले थोड़ी सी बता दूंगा ताकि हमारे नाज़रीन दोबारा सुन सकें। कल तकरीबन 6 बजे के रोज दरगाह फतेहपुर में महफिल समा की जो है तकरीब हो रही थी कि मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी था, तो एक मशकूक शख्स को बाहर खान नामी जो है पुलिस एहलकारों ने रोका, तो वो रुका नहीं और वो भागने के दौड़ने लगा। उसे पीछे से जाके उसने पकड़ा है, दबोचा है, जैसे दबोच के उसको नीचे गिराया तो उसने अपने आप को खुदकुश बम्बार जो है उन्होंने आपको उड़ा दिया, जिसकी वजह से मौके पर जो है 10 अफराद हलाक हो गए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है जो जख्मी थे वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जख्मों की ताब न लाते हुए जो है वो जाबक हो गए, शहीद हो गए। इस वक्त जो तादाद है तकरीबन 20 है। और यही बताऊं कि हर माह की 5 तारीख को इस दरगाह में जो है 5 तारीख और चांद की 15 तारीख को यहाँ महफिल समा की तकरीब मुनक्कद होती है, जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ आते हैं और इस महफिल समा की तकरीब में शिरकत करते हैं। जो ये वाकया जो है बाहर नामी जो पुलिस एहलकार ने उसने अपनी जान पर खेल के वाकया जो है उस दीगर जो जाने हैं कीमती जाने हैं उनको बचा लिया है। इससे पहले भी 2005 में इस दरगाह में जो है खुदकुश धमाका हुआ था और इसमें जो है तकरीबन जमील मुगल जैसा कि आप बता रहे हैं कि हर महीने की 15 तारीख को भी यहाँ पर जो है वो महफिल समा होती है, तो क्यों सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं किए गए जब पता है कि जायरीन की इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर आती है, जब पता है कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, उसके बावजूद भी इस तरह का वाकया हो जाना आपको क्या लग रहा है, लैग कहाँ पर है और इस हवाले से मजीद क्या तहकीकात की जा रही है? देखिए, दरगाह में सैकड़ों अफराद उस वक्त मौजूद थे जब ये खुदकुश बम्बार ने अपने आप को उड़ाया है। अगर पुलिस एहलकार उसको ना रोकता, सिक्योरिटी सख्त थी और इसी वजह से जो है वो अंदर दाखिल नहीं हो सका। जबरदस्ती दाखिल हुआ, उसको पीछे से पकड़ा, पीछे से पकड़ने के बाद जो एहलकार है उसने अपनी जान का नजराना पेश किया, उसने खुदकुश बम्बार ने उस वक्त अपने आप को उड़ा दिया। अगर ये सिक्योरिटी सख्त ना होती तो मजीद जाने जो है 100-200 अफराद वो लुकमे अजल बन सकते थे, लेकिन सिक्योरिटी सख्त थी इसकी वजह से हुआ। लेकिन हमने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जमील मुगल, और बाकी में हम अपने जो पुलिस एहलकार है उनको सलाना चाहेंगे जिनकी काबिशों की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। डेफिनेटली वहां पर ब्लास्ट तो हुआ है लेकिन इससे भी ज्यादा जानों का ज्या हो सकता था, और इससे पहले भी हमने देखा कि 2005 में जो है वो यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है, जिसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी वैसे भी हाई अलर्ट कर दी गई थी। तो ये ओवरऑल कल का पूरी सूरत हाल थी जिसके हवाले से हमारे नुमाइंदे जमील हमें अपडेट कर रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे और आज की तारीख के हवाले से भी बात करेंगे और आपको बताएं कि आज के दिन यानी 6 अक्टूबर 1866 में पहली दफा अमेरिका में ट्रेन रॉबरी की गई थी। 6 अक्टूबर 1866 में अमेरिकी तारीख में पहली दफा ट्रेन रॉबरी की गई। ये ट्रेन अमेरिका की स्टेट ओहायो से मैसिसिपी जा रही थी। ये ट्रेन जैक्सन काउंटी इंडियाना के करीब इस वक्त के मशहूर गैंग रेनो ब्रदर्स ने लूटी थी। ये गैंग 4 लोगों पर मुश्तमिल था और सिर्फ ट्रेन में चोरी की वारदातें किया करता था। जब ट्रेन अनजान और वीरान इलाकों से गुजरती तो मौके का फायदा उठाते हुए ये गिरोह मुसाफिरों से पैसे और दीगर कीमती अशिया लूट लिया करता था। इनके लिए काम पैसा कमाने का आसान तरीका बन चुका था। रेनो ब्रदर्स डाका डालने के बाद सुनसान जंगलों और पहाड़ों में रुपोश हो जाया करते थे, लेकिन बहुत जल्द हुकूमत ने पिंकर्टन नामी डिटेक्टिव एजेंसी की मदद से ट्रेन रॉबर्स के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया और बिलाकर रेनो ब्रदर्स नामी ग्रोह भी पकड़ा गया। जी, इतना इंतहाई इंटरेस्टिंग जो है वो आज की हिस्ट्री थी और ट्रेन रॉबरी की गई थी।
क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जनाब, इसको देख के तो मुझे वो फिल्म याद आ गई है 30 बार 7, जिसमें पूरी ट्रेन को ही लूट लिया गया था और इस तरह की हिस्ट्री जो है वो आज आपने जानी है। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करेंगे हम एजुकेशन के हवाले से। 7 दिन पहले अक्वामे मुतहदा के बच्चों के लिए इदारे यूनेस्को की एक रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि दुनिया भर में हर 10 में से 6 बच्चे और मतलब 20 साल से जो कम उम्र के नौजवान हैं वो सीखने के अमल में महारत की बुनियादी सतह तक पहुंचने में भी नाकाम रहते हैं। अक्वामे मुतहदा की इस रिपोर्ट के नतीजे को हैरतअंगेज करार दिया, जो कि सीखने के बहरान की निशानदही भी कर। सिर्फ 14% जवान अफराद अपनी तारीफ इस इंतहाई नीचे सतह पर छोड़ते हैं, लेकिन अक्वामे मुतहदा की तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में स्कूल जाने वाले सिर्फ 10% बच्चे ऐसे तरक्की याफ्ता खित्तों में रहते हैं। अक्वामे मुतहदा की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों के मयार और तदरीसी जरूरियात को बहुत ज्यादा जाँच पड़ताल की जरूरत है। यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज के डायरेक्टर सुलोविया मोंटिया कहती हैं, इनमें से ज्यादातर बच्चे अपनी कम्युनिटी और हुकूमत की नजरों से पोशीदा या कहीं अलग नहीं होते, बल्कि वो कमरे जमात में बैठे होते हैं। उनका कहना था कि ये रिपोर्ट तालीम की बेहतरी के लिए उस पर कहीं ज्यादा रकम खर्च करने की जरूरत के बारे में एक वेकअप कॉल है। स्कूलिंग विदाउट लर्निंग का मसला आलमी बैंक ने भी रवा हफ्ते जारी किए जाने वाली अपनी रिपोर्ट में उठाया है। उसमें खबरदार किया गया है कि कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लाखों अफराद ऐसी तालीम हासिल कर रहे थे जो इन्हें कम तनख्वाहों वाली और गैर महफूज नौकरियों की जाल में फंसा देती है। आलमी बैंक के सदर जिम योंग किम ने रिपोर्ट का मुतारिफ कराते हुए कहा था कि तालीम के शोबे में नाकामियाँ इक्तसादी और अखलाकी बहरान की निशानदेही है। तहकीकारों ने कीनिया, तंजानिया, युगेंडा और निकारागुआ के तालिबे इल्मों के बारे में खबरदार किया है कि वो आसान जमा तफरीक नहीं कर सकते और सादे जुमले भी नहीं पढ़ सकते। उनके मुताबिक जापान में प्राइमरी स्कूलों में शागिर्दों की बुनियादी महारत 99% तक पहुंच गई थी, लेकिन माली में ये शरह सिर्फ 7% है। रिपोर्ट के मुताबिक ममालिक के अंदर भी वसी पैमाने पर खलीज मौजूद है। कैमरून में प्राइमरी स्कूल के खिताम पर सिर्फ 5% गरीब लड़कियां अपनी तालीम जारी रख पाती हैं, जबकि इसके मुकाबले में अमीर घरों की 76% लड़कियाँ अपनी तालीम जारी रखती हैं। अक्वामे मुतहदा की ये रिपोर्ट तो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है और बच्चों का मुस्तकबिल आगे क्या होगा इस पर कई सवालात भी खड़े हो गए हैं। और अभी कुछ रोज कबल कराची से एक खबर आई थी कि इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आया है इसमें 32 कॉलेजेस भी ऐसे हैं जहां से कोई तालिबिन भी पास नहीं हो सका है, और ये लम्हा फिक्रिया है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है सीनियर काउंसलेट काउंसिल और कोच इस वक्त रंजीत कुमार साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। आपका नाम जो है वो थोड़ा मुश्किल मुझे लगा, वो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। एनीवे, हम कुछ बात करेंगे आज ये जिससे रिपोर्ट सामने आ रही है, और इस रिपोर्ट के बाद अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के अंदर भी अब कराची के हवाले से जो हमने रिजल्ट देखा है कि कुछ बच्चे पास आउट भी नहीं हो पा रहे, क्यों इतनी कशीदा सी सूरत हाल होती जा रही है? बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं और बहुत सारे रीजन हैं भी सही, जैसे कि मैं भी किसी दौर में लेक्चरर था और बाकी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में मैंने पढ़ाया, तो उसमें ये देखा गया कि जो बच्चे हैं आजकल के दौर के, जैसे सोशल मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है। पहले मैं आपको दो वर्ड समझा दूं, एक वर्ड है एजुकेशन जिसको आप नॉलेज भी कह सकते हैं, दूसरा वर्ड है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो है वो आप हासिल तो करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन इतना नहीं होता, उसका स्पेंड ऑफ टाइम बहुत कम होता है। जो तालीम आप हासिल करते हैं उसे आपकी फाउंडेशन बड़ी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, डेवलप हो जाती है। स्कूल्स में ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया जा रहा है, मैं समझता हूँ आज से 50 साल पुराने आदमी ने भी वही किताब पढ़ी होगी जो आज का नौजवान बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन जो जनरेशन जी है जो 94 के बाद पैदा हुई है, उनका सीखने का अमल किताबों वाला नहीं है। उनका सीखने का अमल वो नहीं है कि आप 10 सवाल रट लीजिए और पढ़िए। आज की जनरेशन सवाल करती है, आज की जनरेशन खुद एनालाइज करती है कि जब तक मुझे प्रैक्टिकल नहीं समझाया जाएगा ना मैं आपकी बात सुनूंगा ना मैं आपकी बात समझूंगा। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि हम लोगों को जब भी कोई क्वेश्चन होता था तो हम लोग कहते थे पहले प्रैक्टिकल करके देखना है, ऐसे कैसे समझ आएगा, मुझे तो नहीं ये सवाल समझ में आ रहा, ये होगा कैसे। बिल्कुल आई एग्री विद यू। अच्छा, जहां तक बात की जाती है एजुकेशन की और अक्वामे मुतहदा की रिपोर्ट के हवाले से भी अगर हम थोड़ा सा बात करें तो उसके ऊपर बिल्कुल एक तरह का हाई अलर्ट दिया गया है कि जी एजुकेशन सिस्टम का हाल ये हो रहा है। तो अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जिन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जाती है उनके लिए सबसे बेहतर बात ये होती है कि आप उनकी काउंसलिंग या ब्रेन बिल्डिंग करें ताकि वो इस तरफ अट्रैक्ट हो और तालीम के साथ में जुड़े रहें और आगे भी इसी को कंटिन्यू करें, इस पे क्या कहेंगे? सही, बिल्कुल। पहला वर्ड आपने जो काउंसलिंग वर्ड इस्तेमाल किया, अगेन वो क्या है, आपका एक ट्रेडिशनल मेथड है। सही, काउंसलिंग का मतलब पता है क्या होता है? काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आपके साथ प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम को फिक्स कर दूं। ठीक, मेरे घर में या मेरे स्कूल में मेरे कॉलेज में ये इशू है, बस मैं उसी को फिक्स करूंगा और कोई बात करूंगा नहीं। इस वर्ड को अगर हम यू ऐड कर दें कि देयर इज नो मोर काउंसलिंग, देयर इज अ कोचिंग। कोचिंग में क्या होता है, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, मैं कभी भी प्रॉब्लम में बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा,
और ऐसे सवाल करूंगा जिससे हम कहते हैं क्वेश्चनिंग टेक्निक्स, तो मैं ये कॉर्पोरेट कल्चर में यही कर रहा होता हूँ। और मेरे क्लाइंट्स और अगर आज टीवी के जितने भी ये जो लोग हैं जो प्रोडक्शन टीम में है बाकी मेरे साथ था और उनकी जब मैं काउंसलिंग नहीं बल्कि कोचिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूँ तो क्या होता है कि थोड़े लम्हे बाद वो खुद प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है। अगर मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा आप कभी भी सोल्यूशन की तरफ नहीं जाओगे। जब मैं आपसे बात करूंगा और आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे बात करूंगा और उसी से क्या होगा एक खुद सोल्यूशन आएगा जो आप देंगे। इस सोल्यूशन से एम्पावरमेंट मिलेगी और आप खुद ही उसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रंजीता आप। डेफिनेटली यहाँ पर हमने इस वर्ड को काउंसलिंग को जो है वो ज्यादातर इसी चीज से रिलेट कर दिया है कि आगे आपको क्या करना है तो थोड़ी गाइडेंस मिल जानी चाहिए। लेकिन सिचुएशन ये है कि ये बात सिर्फ गाइडेंस की हद तक नहीं है, बात है एक आपके माइंडसेट की। जब बचपन से ही आपका माइंडसेट होगा कि जी मुझे अपना फाइनेंशियल कैरियर चाहिए, मुझे नौकरी करने के लिए पढ़ना है, ऐसे में सीखने की सलाहियत तो बिल्कुल पीछे रह जाती है। ऐसे में सिर्फ आपका मकसद आपका काम जो है वो ग्रेड्स की हद तक रह जाता है कि जितने अच्छे ग्रेड होंगे उतनी अच्छी जगह पे नौकरी और उतने अच्छे पैसे मिलेंगे। ये ग्रेड्स परसेंटेज गोल्ड मेडल ये सब चीजें आपको किसने सिखाई? आपको सबसे पहले किसने सिखाया? आपके वालदेन। डेफिनेटली मैं आपको बताऊं पूरा एक सिस्टम है। सबसे पहले अगर कोई कहता है तालीम का बदतर निजाम का जिम्मेदार कौन, कोई कहता है सियासतदान है, कोई कहता है गवर्नमेंट सिस्टम है, मैं कहता हूं तालीम के बदतर निजाम का सबसे पहले जिम्मेदार है माँ बाप। क्योंकि आपके माइंड के अंदर वो बात फिक्स कर देते हैं। एक तो साइंटिफिकली एज 1 से लेकर 7 साल की उम्र तक बच्चे को आप वो चीजें दें जो वो सीखना चाहता है। पता है आप क्या करते हैं? मतलब मल्टीनेशनल की बात करता हूं, वो तो डे केयर में बच्चे छोड़ जाते हैं। अच्छा। अगर घर में क्या होता है वो 3 साल के बाद आप बच्चे को क्या करते हैं नर्सरी में डाल देते हैं जी। वो 3 साल के बच्चे का दिमाग खाली यूएसबी की तरह होता है, जो चीजें आप पोस्ट करेंगे वही सीखेगा। हमने उसको रेस में लगा दिया, दौड़ में लगा दिया। मेरा मकसद ये है कि माँ बाप जो है वो एक ऐसा बिलीफ सिस्टम उनके अंदर जनरेट करें कि बड़ा होकर तुम्हें नौकरी नहीं करनी, उसका बिजनेस का माइंडसेट करें। लेकिन हमें भेजा क्यों जाता है स्कूल? तुम ये पढ़ोगे, तुम मास्टर्स करोगे और 25,000-30,000 की नौकरी करोगे। ये आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आजकल के नौजवानों के साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए वो कि आप एमबीए कर लें तो आपको यहाँ जॉब मिल जाएगी, अगर आपने एमकॉम करना है तो आप बैंक में चले जाएंगे। और डिफरेंट गोल सेट्स होते हैं जिसके साथ में हम आगे बढ़ रहे होते हैं। अच्छा, आपने बहुत जबरदस्त बात की कि पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी चीज पोस्ट करेंगे फिर उसका इम्पैक्ट आता है आगे। क्या ये जरूरी है कि हम जब अपनी करियर स्टार्ट करते हैं या हम तालीम की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो हमारे जहनों में यही चीज होती है कि अगर हमने डॉक्टर बनना है तो फिर हमें तकरीबन उतने पैसे तो हॉस्पिटल में बाद में मिल जाएंगे या सारा कुछ। तालीम को आप पैसों के लिए हासिल करते हैं या तालीम को आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस के लिए या अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए या मुआशरे के लिए हासिल करते हैं? क्योंकि जब आप एजुकेटेड हैं तो डेफिनेटली आपके पास अर्निंग्स तो आएंगी, तो इस हवाले से कुछ बताएं। अच्छा, बहुत अच्छी बात की पहले आपने कि तालीम हासिल की जाती है पैसे के लिए। सीधी सी बात है, अगर कोई कहता है नहीं नहीं मैं पैसे के लिए तालीम हासिल नहीं कर रहा तो वो झूठ बोल रहा है। ऑब्वियसली झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। पैसा आपकी प्राइमरी नीड है। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा गोल क्या है, पहला तो पैसा है। लेकिन पैसे के पीछे भागना, उसके लिए हवस पैदा करना, वो सबसे बड़ी गलत बात है। ये चीज जनरेट की जाती है स्टूडेंट्स। और आपकी कामयाबी के मायार भी पता है क्या है आजकल के? इसके पास ये वाली गाड़ी होगी, इतना बड़ा घर होगा और इतना बैंक बैलेंस होगा, ये कामयाब आदमी। लेकिन कामयाबी की डेफिनेशन ये नहीं है। कामयाबी की डेफिनेशन समथिंग एल्स। वो क्या है? आपकी इंटरनल सेटिस्फैक्शन है और आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आपकी हेल्थ के बाद आपकी फैमिली है, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स है, उसके बाद आपकी मॉनेटरी नीड्स है। अच्छा रंजीत, यहाँ पर लोगों ने इस चीज को भी बड़ा गलत लेना शुरू कर लिया है कि इंटरनल सेटिस्फैक्शन सक्सेस का जो मायार है। लोग कहते हैं जी हम अपने हालात में खुश है, हमें ना ग्रोथ की जरूरत है ना कुछ सीखने की जरूरत है। ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है जो आप सेटिस्फैक्शन सैचुरेट कर देते हैं। दूसरी चीज ये कि मुझे अभी इनफेक्ट चले, हमारे पास इस वक्त बाबर रहमान जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उसके बाद वापस आपके जाने वाले अपार्टमेंट है और महल है। अगर नवाज शरीफ सोमवार के दिन पेश नहीं होते तो फिर जो एहतसाब की अदालत है उसके पास ये 100% विद श्योरिटी ग्राउंड पैदा हो जाएगी कि नवाज शरीफ का नाम मुस्तकिलन ईसीएल में डाल दिया जाए। उसकी वजह यह है कि ने अदालत में लिख के दिया हुआ है कि मैं हर तारीख पेशी पे पेश होता रहूंगा और इसीलिए मुचलका फाइल किया है उन्होंने। अब अगर उस मुचलके की रोशनी में
वो सोमवार वाले दिन या जब भी तारीख हो वो पेश नहीं हो, तो उसका एक ही नतीजा हो सकता है कि उनका नाम मुस्तकिलन एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाए। और ये मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी करती रही है, आज फिर करती है कि नवाज शरीफ और उसके खानदान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सिलसिले में यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है जिसको फ्लाउट करने की कोशिश हो रही है, नाकाम बनाने की कोशिश हो रही है, और वो ऑर्डर ये है कि 6 महीने में एहतसाब की अदालत फैसला करेगी। और इस तरह से अगर इजाजत दी गई नाअहल वज़ीर-ए-आज़म को कि कभी आ जाए कभी चला जाए, तो ये पाकिस्तान के कानून के साथ मजाक होगा। आपको बताएं कि बाबर अवान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें वो तनकीद कर रहे थे अपोजिशन पे, कड़ी तनकीद कर रहे थे और वही केसेस के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। हमारे साथ रंजीत कुमार साहब मौजूद हैं और वो बात कर रहे हैं आज एजुकेशन के हवाले से कि किस तरह की जो है वो एजुकेशन हम दे सकते हैं, किस तरह की हम लाइफ कोचिंग कर सकते हैं। बीइंग अ लाइफ कोच, आप क्योंकि लाइफ कोच हैं, आप बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ सवाल का जवाब देते होंगे, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल आपसे कौन से होते हैं जो कन्फ्यूजिंग होते हैं? स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ आता है। मोस्टली जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि सर अगर मुझे जो मेरे वालिद साहब वो कहते हैं मैं मेडिकल में जाऊं, अच्छा, और मैं चाहता हूं कि मैं जो है ना अदाकार बनूं। अभी मैं एक हायर एजुकेशन कमीशन के साथ एक प्रोग्राम कर रहा था और उसमें लड़के ने कहा सर आप मुझे बताइए, मैं आपको इस हालत में लगता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूँ। मैंने कहा तो मुझे तो नहीं पता। उसने कहा मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मेरे वालिद साहब कहते हैं तुम इंजीनियर बन जाओ, लेकिन मेरी वालदा कहते हैं बेटा तू डॉक्टर ही बन जा। बिल्कुल। अब ये सिर्फ माँ बाप का भी जहाँ थोड़ा कसूर नहीं है, थोड़ा कसूर क्या है, वी डोंट हैव ऑप्शंस। अब आप बाहर ममालिक के अंदर जाएं, अगर कोई सॉकर प्लेयर बनता है तो उसके पास प्रॉपर एक वे है, सिस्टम है। पाकिस्तान में क्रिकेटर बनने का क्या सिस्टम है? सॉकर प्लेयर बनने का क्या सिस्टम है? हॉकी प्लेयर बनने का क्या सिस्टम है? पता है वो बच्चा जो सारा दिन खेलता है लेकिन पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज करके वो जाकर क्या करता है, क्रिकेटर बन जाता है, सॉकर प्लेयर बन जाता है। रंजीत आपकी बात से मुझे याद आया, पिछले दिनों मेरी कजन ने मुझे कॉल की, छोटी कजन है, अभी उसने वो लेवल कम्प्लीट किया, उसने मुझसे पूछा की आप ही मुझे कोई ऐसी फील्ड के बारे में बताए जो की मेरे फाइनेंशियल, जिससे मैं अपना फाइनेंशियल करियर बना सकूं। मुझे हैरत हुई कि इतनी छोटी सी बच्ची को अभी से इस चीज की टेंशन है कि मुझे अपना फाइनेंसिस को किस तरह से आगे देखना पड़ेगा। तो बड़े ताज्जुब की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि हम लोगों के बच्चों का माइंडसेट बचपन से ही ऐसा बन जाता है कि उन्हें सिर्फ पैसे की वजह से कमाना और पढ़ना पड़ता है। एनीवे बहुत शुक्रिया रंजीत, आप हमारे साथ थे और इस टॉपिक पर जो है वो हमने डिस्कशन भी की, हमने कोशिश की कि वो तमाम की फैक्टर्स आपको बताए जा सके जिसकी वजह से बच्चे जो है वो सीखने की सलाहियत से महरूम हो रहे हैं और उनका ज्यादा ध्यान जो है वो सिर्फ अर्निंग के ऊपर है, पैसे बनाने के ऊपर। बिल्कुल, पैसे बनाने के ऊपर ध्यान है। बल्कि एक बड़े मशहूर क्रिकेटर हैं, मैंने उनसे पूछा कि जी आपने क्या पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा पढ़ नहीं सका क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था। गुड मॉर्निंग आज मैं यहाँ वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा, मैं डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अनव आप ब्रेक के लिंक में क्या सोच रही हैं? मैं ये सोच रही थी कि आज हमने जब शो का शुरुआत की तो हम लोग जिक्र कर रहे थे कुछ आइटम सॉन्ग्स के हवाले से, और गुज़िश्ता दिनों भी मैं एक मूवी देख के आई और मैं जब वो मूवी देख रही थी तो मैंने उसमें देखा कि यार स्टोरी से किसी तरह का ताल्लुक नहीं था आइटम सॉन्ग का, और बिना वजह उसके अंदर एक आइटम सॉन्ग डाल दिया था, लेकिन लोग उसको इंजॉय भी कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो बीच से सिनेमा के बीच से उठ के चले भी गए थे। अच्छा, सही कह रही है बिल्कुल अनम। और इसी हवाले से मैंने और अनम ने जो है क्रिटिक हैं, फिल्म क्रिटिक हैं उमेर अलवी, उनसे बात की और डिटेल डिस्कशन की और अपने सारे सवाल आप पूछे, तो हम आपको उनका इंटरव्यू भी दिखाएंगे जो कि हमने उनसे किया था गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से, और दूसरा हम आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं, तो ये रिपोर्ट भी देखिए, उमेर अलवी का इंटरव्यू भी देखिए। फिलहाल मुझे और अनम को यहाँ से इजाजत देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जो है ये रिपोर्ट से, ये जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं इनका फिल्मों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, इसे बात करने के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है फिल्म निकाद उमेर अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं उमेर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री राइज कर रही है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, नई नई मूवीज आ रही है, सिनेमाघरों की रौनकें बहाल हो गई है, वहीं पर कुछ तनकीद भी सामने आ रही है और वो है आइटम सॉन्ग्स के हवाले से। हमारा स्क्रिप्ट इतना जानदार होता है, हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, आइटम सॉन्ग की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है, देखिए हर आदमी जो है फिल्म बनाता है, हर आदमी की स्क्रिप्ट स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक है, उनको वो अपनी राइटर के ऊपर बैंक नहीं करते हैं, वो बैंक करते हैं ब्रांड्स के ऊपर एड डाल के, या फिर वो आइटम नंबर पर बैंक करते हैं। बहुत सारी फिल्में पिछले साल ऐसी आई हैं
जिनका ना सर था ना पैर था, मगर उसमें आइटम सॉन्ग जरूर था। और वो क्या था, उसमें लोग जो थे जो बैठे हुए वो महसूस नहीं हो रहे थे, उन्हें गुस्सा आ रहा था। बिल्कुल, मैं उसी रिएक्शन, ये क्या हो रहा है भाई। मतलब एक तो ऐसा, मतलब मैं फिल्मों के नाम आपको क्या बताऊं, विसल एक फिल्म आई थी, नाम भी नहीं सुना किसी ने, आइटम सॉन्ग था। अच्छा। इसी तरह से और भी 5 फिल्में 6 फिल्में ऐसी थी, ये कोई तुक नहीं बन रहा आइटम सॉन्ग मगर डाल दिया उन्होंने। और उससे ये हो रहा था कि लोग जो थे वो या तो इंटरवल पे उठ के भाग जाते थे, या फिर वो कहते थे यार छोड़ो भाई क्या हो रहा है यार, बाहर निकल के अपने इवेंट करते थे और निकल जाते थे। उमेर सर, मेरा सवाल भी यही है कि हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है, लोग मूवीज पाकिस्तानी इसीलिए देखने जाते हैं कि हम अपनी फैमिलीज के साथ जा सके। हम वो मूवीज अगर अपने बड़ों के साथ या अपने बच्चों के साथ बैठकर देख रहे हैं तो हमें किसी किस्म की हिचकिचाहट ना हो। अगर हमारी इंडस्ट्री में भी ये रुझान बढ़ता चला जाएगा तो फिर फैमिलीज के लिए तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं रह जाएगी। फैमिलीज के लिए टीवी है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा टीवी भी कोई बहुत इस वक्त कोई जानदार स्क्रिप्ट नहीं दे रहा है। उस पर भी वही सारी चीजें हो रही है जो 80s में हम फिल्मों में दिखाते थे, ठीक है, तो हम उसको तो नहीं कहते फैमिली। फैमिली तो आपके पास चॉइस ही नहीं रही। फिल्में होती हैं, मतलब जो जॉनरा होता है फिल्म का, आप उसके थ्रू वजह से जाते हैं। गोलमाल फर्ज करने लगी हुई है या कोई कॉमेडी फिल्म लगी है तो दोस्त जाके सारी देखेंगे। कोई एक फिल्म है जो जिसको वाकई में किसी ने आपसे कह दिया कि बहुत अच्छी फिल्म है और फैमिली है और ये, वो आप उस वक्त जाके देखेंगे। आप ऐसी उठ के नहीं चले जाएंगे, आप वर्ड ऑफ माउथ पे जाएंगे, आप रिव्यूज पे जाएंगे। प्रॉब्लम हमारा सबसे बड़ा ये है हमारी फिल्मों का कि हम जो कुछ लोग होते हैं जिनका वेवलेंथ आपसे मिलती है, जो आपको एडवाइस करते हैं आप सुनते हैं, कुछ होते हैं वो ऐसे ही बस कैद फेंक देते हैं आपके, अरे यार बड़ी अच्छी फिल्म है जाओ देखो, और वहां जाके पता चलता है क्योंकि तो बहुत ही बुरी फिल्म थी, या जिस फिल्म की वो कॉपी है उन्हें पता ही नहीं है, या फिर उसके अंदर 2 आइटम सॉन्ग है वो आइटम सॉन्ग उनको बहुत पसंद आ गए तो इसलिए वो रेकमेंड करते हैं। अच्छा, तो इशू क्या है जो आइटम सॉन्ग्स डालने का एक इशू है, क्या वाकई में जब पाकिस्तान में शायकीन जितने भी फिल्म बीन है वो पसंद ही नहीं करते आइटम सॉन्ग्स को, उठ के चले जाते हैं, कुछ इंटरवेल में चले जाते हैं, कुछ वहां पर भी मंबल आउट कर रहे होते हैं कि यार ये क्यों डाल दिया, ये जरूरत क्या थी, तो फिर क्यों प्रोड्यूसर क्यों डायरेक्टर्स जो है वो आइटम सॉन्ग्स डालते हैं। एक कैटेगरी ऐसी भी है जो सिर्फ आइटम सॉन्ग के लिए आती है। अच्छा, और ये आज से पाकिस्तान खास आवाम को उसमें टारगेट करते हैं, वो इंडिया में भी थी 1960s-70s में। हेलन जो एक्ट्रेस थी, जब उनका आइटम नंबर आता था हाउस फुल हो जाता था और जैसे ही वो खत्म होता था लोग चले जाते थे। ठीक है, ये मैं आपको 40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पुल ही नहीं है फिल्मों के अंदर उसको वो डालने के, पुल करने के लिए ऑडियंस को। लेकिन मैं सब अभी जो कुछ रीसेंट हमारी मूवीज बनी है बहुत जबरदस्त मैसेज के साथ भी हमने देखा मूवीज आई हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे पास अच्छे राइटर्स नहीं है, और ना ही इसका ये मतलब है कि हमारे पास अच्छे अदाकार नहीं है। और अगर हम इससे पहले की बात करें तो बहुत सी ऐसी मूवीज आती थी, हमारे लोग बहुत शौक से देखते थे, हमारे अदाकारों के फैन होते थे, लेकिन तब भी आइटम सॉन्ग नहीं होता था। तो जब इतनी पाकिस्तान के पास इतने असासे पाकिस्तान के पास मौजूद है इस तरह के और हमारे पास काम भी हो रहा है, तो फिर हमें इन चीजों को स्टेप बनाने की क्या जरूरत है? हम अपनी स्टोरीज को ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर सकते? हम अपने अदाकारों से परफॉर्मेंसेस अच्छी क्यों नहीं करा सकते? आपको लाजमी है कि स्टेज को आपने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी उतार के लेके आना। देखिए 1950s, 60s, 70s और 80s में मल्टीप्लेक्स तो थे नहीं, ठीक है, तो आगे का टिकट होता था 100 या 50, पीछे का 100 और फिर 200। 200 में जाती थी फैमिलीज, ठीक है, क्योंकि वो ग्रैंड सर्कल ऊपर बैठते थे, 100 मिडिल क्लास होते थे और सबसे नीचे थर्ड क्लास, ठीक है, जो मजदूर ये सब होते थे। अब वो जो थे वो देख जा, उनकी क्या फिल्म की अट्रैक्शन होती थी यार, उसमें नीलो डांस कर रही है या उसमें ये डांस कर रही है। अच्छा। या उसमें उनका अट्रैक्शन ये था। आइटम सॉन्ग्स हमेशा से थे, नाम हमने अब दिया। अच्छा, आइटम सॉन्ग्स हमेशा से थे, नाम हमने अब दिया है। अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी हॉलीवुड की, तो हॉलीवुड को जरूर कॉपी करता है, लेकिन हॉलीवुड में हम देखते हैं कि सॉन्ग्स वगैरह की कोई सूरत हाल नहीं होती, उनकी अपनी मूवी एक्शन मूवीज होती हैं या लव स्टोरी बेस होती हैं, वो उसी तरीके से हिट होती हैं। अगर आज हमारा पड़ोसी मुल्क बॉलीवुड आइटम सॉन्ग्स करना ही बंद कर दे, तो क्या पाकिस्तान में भी मूवीज से आइटम सॉन्ग्स निकल जाएंगे? ये कुछ रिवायत है कि जो वहां होता है वो यहाँ होना लाजमी है, तो ही हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रहे हैं। अगर हमारी मूवी में पड़ोसी मुल्क इंडिया जैसे या भारत जैसे आइटम सॉन्ग्स नहीं है या उस तरह की स्टोरीज नहीं है, उस तरह के कपड़े नहीं है, तो क्या हमारी मूवीज हिट नहीं होंगी? हम अपनी रिवायत के तहत कुछ नहीं कर सकते। हॉलीवुड में होते हैं सॉन्ग्स, होते हैं म्यूजिकल्स होते हैं उनके अंदर, जीन केली वगैरह एक्टर्स थे, बहुत मशहूर थे। और ये आपका शिकागो तो 15 साल पुरानी फिल्म होगी जिसको ऑस्कर मिला था, उसमें भी गाने थे, तो गाने होते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम टेस्टफुली करें तो मजा भी आए ना, सही है। हमें गाने पिक्चराइज करने की तमीज नहीं है, हम उसमें भी आइटम नंबर में कूद जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप एक गाना है उसमें दिखा, एक फिल्म दिखा रहे हैं कि उसमें गैंगस्टर्स बैठे हैं या जो भी बैठे हैं,
और एक लड़की डांस की खातून जो भी है वो डांस कर रही है और वो डांस वाहियात है, बेहुदा है, सब कुछ है, लेकिन अब आप क्या करें, आप क्या उसको सेंसर कर देंगे? अच्छा सेंसर बोर्ड की भी आप चीज सुनिए, वो इम्पोर्टेंट चीजें जो फिल्मों में होती है इंडियन वो काट देते हैं, ठीक है, आइटम सॉन्ग नहीं काटते, आइटम सॉन्ग वो दिखा देते हैं यहाँ पे, जैसे अभी एक फिल्म चल रही है सिनेमा के अंदर भूमि, उसका इंटरवल निहायत ही फजूल जगह पे आया जहाँ पे फिल्म का इंटरवल नहीं आना चाहिए और इंटरवल के फौरन बाद आइटम सॉन्ग, तो आप मतलब आप हम लोग क्या करें, कोई भी क्या करे, बिल्कुल यही बात मैं करना चाह रही हूँ मेरे साहब कि हमारे जो भी इंडस्ट्री में हो रहा है इस वक्त उसका इन्फ्लुएंस हमारी सोसाइटीज पर बहुत ज्यादा होने लगा है। अगर हम बात करें आइटम सॉन्ग्स की, आपने आइटम सॉन्ग्स के हवाले से तो बताया कि जी अभी से नहीं पहले से भी होता आ रहा है, तो ये तो अपने अपने हर एक के व्यूज हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस की जो मैं बात कर रही हूँ उस इन्फ्लुएंस की अभी जीती जागती मिसाल हमें कराची में मिल रही है गुलिस्तान जौहर में, जहाँ पर एक शख्स छलावा बनकर खवातीन को मार रहा है, ना वो उनसे कुछ डकैती करता है ना कुछ चोरी करता है, सिर्फ उनको मारकर चला जाता है, और ये एक स्टोरी जो मूवी इंडिया में आई है उसका एक आकाश नजर आती है इस वक्त लोगों में, इसका मतलब है कि इन्फ्लुएंस होता है इन चीजों का मूवीज में जो वो देखते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारी मूवीज की तरतीब कुछ इस तरह से है कि हमारी सोसाइटी उसके साथ साथ तबाही की तरफ जा रही है? देखिए तबाही तो होती है, आपने इंडियन फिल्म अगर देखी हो 70s 80s की तो उसके अंदर मेन जो थीम थी वो ये कि हीरो की बहन को उठा के ले गए और वहाँ उनका रेप कर दिया और हीरो जाके बदला ले रहे, यहाँ कुछ मामला सीरियल के लिए मगर इंडियन जो है फिर इज नोन नाउ नोन एज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वहाँ ये चीज हुई, हमारा प्रॉब्लम ये खातून खवातीन हजरात जो भी सड़क पे घूम रहे थे लोग आते हैं और पहले होता है था मार के चले जाते, धक्का देकर या फूटिंग करके चले जाते, किसी भी किसी ने इस पे कोई जोर ही नहीं दिया ना इस पे कोई वो की, वो आपका ग्रो करते करते मेच्योर होते होते वो इस लेवल पे आ गए, मेच्योर डोमेस्टिक वायलेंस अब मेच्योर, बिल्कुल बिल्कुल इस तरफ आ गए और अब यही हो रहा होता है, जो छोरे वाला जो केस है ये आपकी पुलिस की नाकामी है, सही है, और पुलिस के साथ साथ आपकी सिटीजन की भी नाकामी जिसकी भी है, आपको लगता है इन्फ्लुएंस है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, देखिए इन्फ्लुएंस होता है और आज से नहीं होता हमेशा से होता है, कोई एक फिल्म आती है लोग देखते हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आपने मतलब इतनी सारी असैसिनेशन हुई है पॉलिटिकल अमेरिका में जो फिल्में देख के या टीवी देख के उन्होंने की है, सही बिल्कुल सही है, आजकल की चीज नहीं है ये, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे तो फिल्मों में मैसेज होता ही नहीं है, या तो आउट एंड आउट कॉमेडी होती है, पांच फिल्म में आपको गिना दूं पांच साल के अंदर जिनके अंदर मैसेज था, लेकिन बाकी तो जाते हैं आप सिर्फ हुआ ही हो गई उसके बाद या फिर बहुत ट्रेजेडी फिल्म हो गई या फिर एक्शन हो गई, दैट्स इट, और मौला जट क्या थी, मौला जट में 150-200 लोग मारे थे उन्होंने, उसके बाद क्या हुआ फिर वो ट्रेंड चलने लगा। मैं रलवी साहब की बातें आपने सुनी हैं और डेफिनेटली आइटम सॉन्ग के हवाले से उनके जो व्यूज थे ये तो आपने जाने, लेकिन वाकई में हमारा पाकिस्तानी कल्चर जो है उस कल्चर को मद्देनजर रखते हुए इन आइटम सॉन्ग की मूवी में जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, हमारे अदाकार बहुत अच्छे हैं, अगर हम उन चीजों को बेहतर कर लें तो मेरा ख्याल है इस तरह के सहारे हमें लेने की बिल्कुल सहारे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज ही हैं जिनको देख देख कर जो है पड़ोसी ममालिक की मूवी बनती है, तो मेरे ख्याल में मूवी ने कम बैक किया है, सिनेमा का रिवाइवल हो रहा है, तो इसके लिए हमें सिनेमा को मूवीज को अप्रिशिएट करना चाहिए और जो प्रोड्यूसर्स हैं जो डायरेक्टर्स हैं जो फिल्म बनाते हैं उनको भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि डेफिनेटली अभी हम ग्रोइंग स्टेज में अगर इस तरह की कोई हम चीज डालते हैं या उसको थिएटर बनाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा पाकिस्तानी सिनेमा जो है उसका रिवाइवल शेक कर सकता है। तो गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से फिलहाल इतना ही, आपने हुमैर अलवी का ये इंटरव्यू देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, ऐसे ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, मंडे को फिर लेकर आएंगे आपके लिए एक बहुत अच्छा सा शो जिसमें होंगी तमाम टॉप स्टोरीज और तमाम हाईलाइट्स और तमाम हम ब्रेकिंग से आपको आगाह करेंगे, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। Keep watching. Good morning, guys.